अगर आपको चाहिए एक बेस्ट कैमरा, बेस्ट प्रोसेसर, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और एक बेस्ट डिस्प्ले, तो इसके लिए होता है ना हमें ज़्यादा पैसा देकर के फ्लैगशिप फ़ोन खरीदना पड़ता है, तब जाकर के ये अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिलता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको 30,000 के अंदर तक मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैंने 5 बेस्ट फ़ोन को मेंशन किया है जो आपके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है, चाहे आपकी गेमर हो या आपको बहुत ज़्यादा फोटोज़ लेने का शौक हो या आपको अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए हो, तो इस वीडियो को आप टिल दी इंड तक ज़रूर देखें। IQ Neo 7 Pro, ये फ़ोन अंडर 30,000 में वन ऑफ़ द बेस्ट बैलेंस फ़ोन है, क्योंकि इसमें आपको अच्छा कैमरा देखने को मिलता है, बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलता है और सबसे बड़ी बात इसमें आपको फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है और इसको IQ वालों ने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ भी किया है। तो इसकी वजह से इसमें आपको कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है, मतलब आप किसी भी गेम को हाई सेटिंग्स पे खेलोगे या आप मल्टीटास्किंग करोगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देने वाला है। इसमें आपको एक 6.7 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब इसकी आउटडोर विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है और इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट से आपको कोई भी शिकायत होने वाली नहीं है। और अगर मैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और ये गेमिंग फ़ोन होने के बावजूद इसमें आपको काफ़ी अच्छे कैमराज देखने को मिलते हैं, मतलब इसके जो इमेजेस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल देखने को मिलने वाले हैं। और अगर मैं इसके बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो 5000 mAh की बैटरी है, 120 वाट के फास्ट चार्जिंग है, मतलब आप समझ सकते हो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है और इसके बैटरी डिपार्टमेंट से भी आपको कोई खास प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, एक दिन तो ये आपको ईजिली निकाल करके दे देगा। तो आप चाहें तो इस फ़ोन को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। Vivo V29, आप लोगों को तो एक बात पता होगा कि Vivo वाले अपने डिज़ाइन और अपने कैमराज पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इस फ़ोन में भी इन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू ही रखा है और इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। साथ ही साथ ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लाइटवेट भी है और इसका जो कैमरा सेटअप है वो अंडर 30,000 में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेटअप है, जो कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और ये दोनों सेंसर काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है और ये आपको काफ़ी अच्छी इमेजेस भी निकाल के दे देगा। और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और इससे आप काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इमेजेस निकाल सकते हो विदाउट एनी एडिटिंग, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मोड्स दिए गए हैं वैसे। और इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है 778G, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल प्रोसेसर है, इसमें आपको स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इस फ़ोन में आपको IP रेटिंग देखने को मिलने वाली है, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग है विद 4400 mAh की बैटरी, और इसमें जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है वो है 6.7 इंच का एक फुल HD कवर्ड AMOLED डिस्प्ले और डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वैसे ये फ़ोन आपको 30,000 के अराउंड मिल जाएगा, तो आप चाहें तो इस फ़ोन को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। Nothing Phone 1, देखा जाए तो ये फ़ोन जिस वक्त लॉन्च हुआ था उस वक्त इसने अपनी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी और उस वक्त इसकी प्राइसिंग जो थी वो 37-36,000 थी और अभी आपको 25-26,000 के आसपास मिल जाएगा और उस हिसाब से इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, मतलब एल्युमिनियम साइड फ्रेम देखने को मिलता है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसमें जो डिस्प्ले यूज़ किया गया है वो है 6.5 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आउटडोर में ब्राइटनेस वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और साथ ही साथ इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है स्नैपड्रैगन 778G और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है, मतलब अगर आप कोई भी नॉर्मली काम करोगे तो ये काफ़ी स्मूथली तरीके से उसे हैंडल कर लेगा। और साथ ही साथ इसमें आपको 45,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग और अगर आप नॉर्मल या कैजुअल टास्क करोगे तो एक दिन तो ईजिली निकाल देगा ये। और साथ ही साथ इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और ये दोनों सेंसर काफ़ी अच्छे इमेजेस निकाल लेते हैं। लेकिन इसका सबसे बेस्ट पार्ट इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें जो आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है बहुत ज़बरदस्त लेवल का है, मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलते हैं और साथ ही साथ ये नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करते हैं नथिंग वाले। और इसके साथ साथ आपको 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलने वाला है और 4 साल का सिक्योरिटी पैचेस का अपडेट देखने को मिलने वाला है, मतलब आपको अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। Poco F5, देखा जाए तो ये फ़ोन Poco F1 का ट्रू सक्सेसर है, क्योंकि इसमें जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी गेमर हो या आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हो तो इसे काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है विदाउट एनी लैगिंग इशू और फ्रेम ड्रॉप के। और साथ ही साथ अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको एक 6.7 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ ये 10 बिट का डिस्प्ले है, मतलब कि इस पर आपको स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है।
और अगर मैं इसे कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इसमें आपको 53 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो मेन सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का विथ OIS और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और ये दोनों सेंसर काफ़ी अच्छे हैं, मतलब इससे आप काफ़ी अच्छी इमेजेस निकाल सकते हो। और साथ ही साथ इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है विथ 67W की फास्ट चार्जिंग, जो कि देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा यूजिंग करोगे तो भी ये एक दिन आपको ईजिली निकाल करके दे देगा। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई कंसर्न है मदरबोर्ड इशू का, तो इसको फिक्स करने के लिए पोको वालों ने इसमें 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दी है। मतलब अगर आपके फ़ोन में कुछ भी होगा तो आप 2 साल के अंदर उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस फ़ोन को एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। मोटो H40, देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से मोटोरोला वालों ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। और इन्होंने मेनली 2 चीज़ों पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है, पहले अपने डिज़ाइन पे, दूसरा अपने सॉफ्टवेयर पे। वैसे इसमें आपको एक 6.5 इंच का फुल HD POLED डिस्प्ले देखने को मिलता है और ये कर्व डिस्प्ले वाले डिस्प्ले है जो कि 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो है Dimensity 8020 और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। मतलब इसमें आप कोई भी हाई गेमिंग करो या मल्टीटास्किंग करो तो ये आपको अच्छी स्मूथ ग्राफिक्स निकाल के देने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और दोनों ही कैमराज अच्छे इमेजेस निकाल लेते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको 44000mAh की बैटरी देखने को मिलती है वे 68W की फास्ट चार्जिंग, देखा जाए तो अच्छा कॉम्बिनेशन है। वैसे आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको शायद एक दिन में 2 दफ़ा इसे चार्ज करना पड़ सकता है। वैसे इन सब के अलावा इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, IP रेटिंग और क्लीन सॉफ्टवेयर। और आपको ये फ़ोन अंडर 25,000 तक में मिल सकता है, तो आप इसे चाहें तो एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं।